तो मनीषा रानी कैप्टेंसी की रेस से आउट हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीक्रेट टास्क बिग बॉस में आया, अविनाश, पलक और जिया को मिलकर के ये टास्क कंप्लीट करना है। तीन लोग टास्क करेंगे तो तीन लोग कैप्टेंसी की रेस से आउट हो सकते हैं। जिया को खाना बना करके खिलाना था एल्विस को, और तारीफ भी करनी थी। जिया उसमें सक्सेसफुल हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर कैमरे में बताना है बिग बॉस को, अविनाश को, कि उनका एक टास्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक रूम खुलेगा जहाँ पर वो बिजली वाले कटौत नहीं होते, उसमें सबके नाम है कि कैप्टेंसी के दावेदार कौन है अभिषेक को छोड़ करके। तो यहाँ पर अविनाश जाते हैं और मनीषा को कैप्टेंसी की रेस से आउट करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कैप्टन बन चुकी है और उनका कहना है कि कैप्टेंसी उसने अच्छे से नहीं निभाई है। और कैप्टन बनते ही उसमें एक अलग सा रौब आ गया था, ये उन्होंने रीज़न दिया और मनीषा रानी को कैप्टेंसी की रेस से आउट कर दिया। अब ऐसे करके दो और टास्क होंगे, जिसके बाद मुझे लगता है कि दो और लोग हटेंगे। फिलहाल अभी मनीषा हो गई, चाहे यहां पर अभिषेक हो गए और ये एल्विस हो गए, ये लोग टास्क को समझ रहे हैं कि कुछ तो टास्क मिला है, लेकिन पूरी तरीके से इनको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली सीक्रेट टास्क है क्या। आप देखते हैं कि कौन सक्सेसफुल होता है। फिलहाल मनीषा कैप्टेंसी की रेस से आउट हो चुकी है। थैंक यू।